सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल पे क्लिक कर दीजिए हमारा लेटेस्ट वीडियो पहले पाने के लिए। हाय दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से पांच स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, उसका एंट्री टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में जानने जा रहे हैं। दोस्तों, मैंने जो भी स्टॉक इसी वीडियो पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैंने उसके लिए एक रूल का वीडियो मेरा डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे दिया है। अगर आप वो रूल का वीडियो को नहीं देखे हो तो पहले वो रूल का वीडियो को देख लीजिए। अगर उसी रूल के वीडियो के हिसाब से ये स्टॉक पे या निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आपको ट्रेड करने के लिए एंट्री आ रहा है तो अभी आप उसी दिन वो स्टॉक या निफ्टी बैंक निफ्टी पे ट्रेड कीजिए। अगर किसी भी दिन रूल के वीडियो के हिसाब से ट्रेड सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आप उसी दिन वो स्टॉक पे या निफ्टी और बैंक निफ्टी पे ट्रेड मत कीजिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैंने आप लोगों को एक चीज बता दूं, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो को देख रहे हो तो उसका नीचे एक लाल कलर का बटन है, वो बटन के ऊपर क्लिक करके मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने रोजाना आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हमको कल कौन सा स्टॉक के ऊपर ट्रेड करना है और निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूवमेंट कैसे रहेगा, उसका एंट्री टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में जानते हैं। दोस्तों, स्क्रिप्ट वन पे मैंने M&M स्टॉक के ऊपर शॉर्ट सेलिंग के लिए बताया है। तो इक्विटी और कैश मार्केट पे 559 पे आप शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बना सकते हो। इसकी करंट मार्केट प्राइस 560.10 है। स्टॉप लॉस आपको 565 पे रखना है। पहला टारगेट 553 और सेकेंड टारगेट 547 पे रखना है। अगर आप M&M का फ्यूचर मार्केट पे शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हो, 561 पे आप शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन ले सकते हो। इसकी करंट मार्केट प्राइस 562 है। स्टॉप लॉस आपको 567 पे रखना है। पहला टारगेट 555 और सेकेंड टारगेट 549 पे रखना है। तो चलिए दोस्तों, अभी स्क्रिप्ट टू के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, स्क्रिप्ट टू पे मैंने जील स्टॉक के ऊपर शॉर्ट सेलिंग के लिए बताया है। इक्विटर कैश मार्केट पे 239 पे आप शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन ले सकते हो। इसकी करंट मार्केट प्राइस 242.50 है। स्टॉप लॉस आपको 245 पे रखना है। पहला टारगेट 233 और सेकेंड टारगेट 227 पे रखना है। अगर आप जील का फ्यूचर मार्केट पे शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हो, 240 पे आप शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बना सकते हो। इसकी करंट मार्केट प्राइस 243.40 है। स्टॉप लॉस आपको 245 पे रखना है। पहला टारगेट 234 और सेकेंड टारगेट 228 पे रखना है। तो चलिए दोस्तों, अभी स्क्रिप्ट थ्री के बारे में जानते हैं। दोस्तों, स्क्रिप्ट थ्री पे मैंने सिप्ला स्टॉक के ऊपर बाइंग करने के लिए बताया है। तो इक्विटी और कैश मार्केट पे 442 पे बाइंग का पोजीशन बना सकते हो। इसकी करंट मार्केट प्राइस 441.35 है। स्टॉप लॉस आपको 428 पे रखना है। पहला टारगेट 454 और सेकेंड टारगेट 466 पे रखना है। अगर आप सिप्ला का फ्यूचर मार्केट पे बाइंग करना चाहते हो, 443 पे आप बाइंग का पोजीशन बना सकते हो। इसकी करंट मार्केट प्राइस 442.05 है। स्टॉप लॉस आपको 429 पे रखना है। पहला टारगेट 455 और सेकेंड टारगेट 467 पे रखना है। दोस्तों, ये था थर्ड स्क्रिप्ट के बारे में एनालिसिस। चलिए अभी स्क्रिप्ट फोर के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, स्क्रिप्ट फोर पे मैंने इन्फी स्टॉक के ऊपर बाइंग करने के लिए बताया है। तो इक्विटर कैश मार्केट पे 816 पे आप बाइंग का पोजीशन ले सकते हो। इसकी करंट मार्केट प्राइस 814.80 है। स्टॉप लॉस आपको 804 पे रखना है। पहला टारगेट 828 और सेकेंड टारगेट 840 पे रखना है। अगर आप इन्फी का फ्यूचर मार्केट पे बाइंग करना चाहते हो, 810 पे आप बाइंग का पोजीशन बना सकते हो। इसकी करंट मार्केट प्राइस 808.70 है। स्टॉप लॉस आपको 798 पे रखना है। पहला टारगेट 822 और सेकेंड टारगेट 834 पे रखना है। दोस्तों, ये था स्क्रिप्ट फोर के बारे में एनालिसिस। चलिए दोस्तों, अभी स्क्रिप्ट फाइव के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, स्क्रिप्ट फाइव पे मैंने येस बैंक स्टॉक के ऊपर शॉर्ट सेलिंग के लिए बताया है। तो इक्विटी और कैश मार्केट पे 39 पे आप शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बना सकते हो। इसकी करंट मार्केट प्राइस 39.60 है। स्टॉप लॉस आपको 40.50 पे रखना है। पहला टारगेट 37.50 और सेकेंड टारगेट 36 पे रखना है। अगर आप येस बैंक का फ्यूचर मार्केट पे शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हो, 39 पे आप शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बना सकते हो। इसकी करंट मार्केट प्राइस 39.85 है। स्टॉप लॉस आपको 40.50 पे रखना है।
पहला टारगेट 37.50 और सेकेंड टारगेट 36 पे रखना है। दोस्तों ये था ये पांच स्क्रिप्ट के बारे में एनालिसिस, और ये पांचों स्क्रिप्ट के अंदर तीन स्क्रिप्ट पे मैंने शॉर्ट सेलिंग के लिए बताया है और दो स्क्रिप्ट पे बाइंग करने के लिए बताया है। तो चलिए दोस्तों अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों निफ्टी फ्यूचर का जो करेंट मार्केट प्राइस है 11,318 है। जब ये नीचे की तरफ जाएगा 11,275 पे आप शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बना सकते हो। स्टॉप लॉस आपको 11,340 पे रखना है। पहला टारगेट 11,210 और सेकेंड टारगेट 11,140 पे रखना है। दोस्तों ये था निफ्टी फ्यूचर के बारे में एनालिसिस। चलिए दोस्तों अभी बैंक निफ्टी फ्यूचर के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों बैंक निफ्टी फ्यूचर का जो करेंट मार्केट प्राइस है 28,135 है। जब ये नीचे की तरफ आएगा 28,050 के आसपास आप शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बना सकते हो। स्टॉप लॉस आपको 28,350 पे रखना है। पहला टारगेट 27,750 और सेकेंड टारगेट 27,450 पे रखना है। दोस्तों ये था निफ्टी बैंक निफ्टी और ये पांच स्क्रिप्ट के बारे में एनालिसिस, जो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्रॉपर रूल को फॉलो करके सोमवार को आप ट्रेड कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको निफ्टी फ्यूचर के ऊपर कोई सेफ स्ट्रैटेजी चाहिए, दोस्तों मेरे निफ्टी फ्यूचर के ऊपर एक हेजिंग का स्ट्रैटेजी बनाया है और ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा काम दे रहा है। मतलब अगर आप महीना में 10-15% के आसपास रिटर्न मान के चलोगे तो दोस्तों ये स्ट्रैटेजी आराम से 10-15% के आसपास रिटर्न दे देता है। तो चलिए दोस्तों इसी स्ट्रैटेजी के माध्यम से 4-5 महीना से मैंने लाइव मार्केट में जो भी सारा ट्रेड कर रहा हूँ वो रिजल्ट को आप लोगों के साथ एक बार शेयर कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों इसी कम्युनिटी टैब के अंदर मैंने हर दिन इसका रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों बेसिकली इसी स्ट्रैटेजी के माध्यम से काम करने के लिए आपको 1,00,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आपके पास 1,00,000 का इन्वेस्टमेंट है तो आप इसी स्ट्रैटेजी पे आराम से काम कर सकते हो। और देखिए दोस्तों इसी स्ट्रैटेजी पे मे मंथ पे 18,141.75 के आसपास रिटर्न आ गया था। तो दोस्तों ये रिटर्न 1,00,000 कैपिटल के ऊपर 18.10% का रिटर्न है। और दोस्तों जून मंथ भी स्ट्रैटेजी के माध्यम से 17,747 का प्रॉफिट आया था। दोस्तों ये 17,747 मतलब ये 1,00,000 कैपिटल के ऊपर 17.80% का रिटर्न है, जो कि लगभग 18% के आसपास रिटर्न आया था। और दोस्तों ये जुलाई पे मार्केट साइडवाइज था, फिर भी देखिए यहाँ पे 13% का रिटर्न आ गया था। और ये अगस्त मंथ पे 16.30% का रिटर्न आया था। और दोस्तों सितंबर मंथ पे ये 14.57% के आसपास रिटर्न दिया था। और अभी अक्टूबर मंथ कंटिन्यू चल रहा है। और देखिए दोस्तों ये अक्टूबर मंथ पे मैंने जो भी सारे ट्रेड किया है इसका रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों बेसिकली इसी स्ट्रैटेजी के माध्यम से जो मैक्सिमम लॉस आ रहा है 3-5% के आसपास आ रहा है। लेकिन दोस्तों आज मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल था, मतलब मार्केट 30-60 मिनट ड्यूरेशन के अंदर 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 150 पॉइंट ऐसे मूव कर रहा था। इसलिए दोस्तों ये जो 6 महीना से मैंने जो लाइव मार्केट पे ट्रेड कर रहा हूँ आज का जो लॉस है ये सबसे बड़ा लॉस आया है। तो दोस्तों आज का जो लॉस है 9,375 का लॉस आया है। तो आज तक मैंने इसी स्ट्रैटेजी को यूज करके जितना भी सारे ट्रेडिंग किया है ये आज तक का सबसे बड़ा लॉस है। तो दोस्तों ये लॉस बहुत रेयर सिनेरियो में आता है। जनरली हमारा जो लॉस था 3-5% के आसपास आ रहा था अगर कभी भी बड़ा लॉस आता है तो। लेकिन दोस्तों जनरली हमारा लॉस 1% या उससे कम आता है, लेकिन आज जो लॉस है ये सबसे बड़ा लॉस माना जाएगा। तो दोस्तों अगर आप ये सारे रिजल्ट को मिलाओगे, देखिए दोस्तों इसी मंथ का अभी तक हम 11% लॉस पे चल रहे हैं, मतलब हमारा जो रिटर्न है 11% माइनस पे चल रहा है। तो दोस्तों हमारे हाथ में अभी 13 ट्रेडिंग डे बचा है। तो दोस्तों देखिए 13 ट्रेडिंग डे के अंदर ये स्ट्रैटेजी लॉस रिकवर करके मिनिमम 10-15% देने की इसकी काबिलियत है। तो दोस्तों मैंने हर दिन इस पे जो भी सारा ट्रेड करूंगा उसका रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों अगर आपको इस स्ट्रैटेजी के बारे में डिटेल्स पे जानना है, देखिए यहाँ पे मैंने मेरा व्हाट्सएप का नंबर मेंशन किया है और इसी चैनल आर्ट के अंदर भी मेरा व्हाट्सएप का नंबर मैंने मेंशन किया है, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो को देख रहे हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने रोजाना आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ।
फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।